वो हमेशा जादूगरों, राक्षस शिकारियों की कहानियों से आकर्षित होती थी जो अपनी चांदी की तलवारों और बिल्ली जैसी आंखों के साथ भूमि पर घूमते थे। उसने उनकी बहादुरी, उनकी कुशलता, उनके जादू और उनकी शीतलता की कहानियां सुनी थी। वे मानव नहीं थे, वे उत्परिवर्ती थे, क्रूर प्रयोगों द्वारा बनाए गए और मारने के लिए प्रशिक्षित थे। उनमें कोई भावना नहीं थी, कोई लगाव नहीं था, कोई दया नहीं थी। उन्होंने सम्मान या गौरव के लिए नहीं, सिक्के के लिए काम किया। अधिकांश लोग उनसे डरते थे और नफरत करते थे, लेकिन उनका सम्मान भी करते थे और उनकी जरूरत भी थी। जब तक वह उसके गांव नहीं आया, तब तक उसने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। वो लंबा और मांसल था, उसके लंबे सफेद बाल और झुलसा हुआ चेहरा था। वो चमड़े का कवच और लबादा पहनता था और अपनी पीठ पर दो तलवारें रखता था। उसके गले में एक पदक था जिसका आकार भेड़िए के सिर जैसा था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह पीली थीं और वे उसकी आत्मा में छेद कर गईं। वो उस सराय में आया जहां वो वेट्रेस के रूप में काम करती थी और एक कमरा और भोजन मांगा। वो गहरी और कर्कश आवाज में बोलता था और उसका उच्चारण अजीब था। उसने सोने से भुगतान किया और मोलभाव नहीं किया। वो न मुस्कुराया, न मजाक किया, न फ्लर्ट किया। वो विनम्र था लेकिन दूरदर्शी था। उसने चुपचाप खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। वो अगली सुबह तक बाहर नहीं आया। वो उसके बारे में जानने को उत्सुक थी और उससे बात करना चाहती थी। उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सी बातें थी जो वो जानना चाहती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, उसने क्या देखा है, उसने क्या किया है। वो सोचती थी कि क्या उसके पास दिल है, क्या वह कुछ महसूस करता है, क्या उसे किसी की परवाह है। वो सोचती थी कि क्या वह अकेला है, क्या उसे एक दोस्त की जरूरत है, क्या उसे एक प्रेमी की जरूरत है। उसने अगले दिन उससे संपर्क करने का फैसला किया जब वह नाश्ते के लिए नीचे आया। वो उसके लिए खाना लेकर आई और बातचीत शुरू करने की कोशिश की। नमस्कार सर, मुझे आशा है कि आप अच्छी नींद सोए होंगे। मेरा नाम लीला है और मैं यहाँ सराय में काम करती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने अपनी पीली आंखों से उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। आगे बढ़ो, वो घबराहट से मुस्कुराई और जारी रखी। मैं सोच रहा था, क्या तुम जादूगर हो? उसने भुहें उठाकर उत्तर दिया। हाँ मैं हूँ, आप क्यों पूछते हैं? वो शर्माते हुए बोली। मुझे क्षमा करें, मेरा असभ्य होने का इरादा नहीं है। बात बस इतनी सी है, मैं पहले कभी किसी जादूगर से नहीं मिला। मैंने केवल तुम्हारे बारे में कहानियाँ सुनी हैं। तुम बहुत प्रसिद्ध हो, तुम्हें पता है। उसने कंधे उचकाए और कहा, मैं प्रसिद्ध नहीं हूँ, मैं बदनाम हूँ। लोग मेरे बारे में कहानियाँ सुनाते हैं लेकिन वे मुझे नहीं जानते। वे मुझसे डरते हैं और वे मुझसे नफरत करते हैं। वे मुझे केवल तभी बुलाते हैं जब उनके पास कोई समस्या होती है जिसे वे हल नहीं कर सकते। एक राक्षस जिसे वे मार नहीं सकते, एक अभिशाप जिसे वे दूर नहीं कर सकते, एक ऐसी बीमारी जिसे वे ठीक नहीं कर सकते। फिर वे मुझे भुगतान करते हैं और चाहते हैं कि मैं चला जाऊं। उन्हें मेरी परवाह नहीं है, उन्हें केवल अपनी परवाह है। उद्धरण चिन्ह। उसे सहानुभूति की वेदना महसूस हुई और उसने कहा, यह उचित नहीं है। आप एक राक्षस नहीं हैं, आप एक नायक हैं। आप लोगों की मदद करते हैं, आप जीवन बचाते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, भले ही वे आपकी सराहना न करें। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने सिर हिलाकर कहा, आप नहीं समझे, मैं नायक नहीं हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं लोगों की मदद नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाता नहीं, उन्हें ले लेता हूँ। मैं अच्छे काम नहीं करता, मैं आवश्यक चीजें करता हूँ। मुझे खुद पर गर्व नहीं है, मैं उदासीन हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मैं एक जादूगर हूँ, न इससे ज्यादा न इससे कम। उसने भुही सिकोड़ कर कहा, ये सच नहीं है। आपके पास एक विकल्प है, आपके पास एक उद्देश्य है, आपके पास एक अर्थ है। आप एक जादूगर हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति भी हैं। आपके पास एक नाम है, आपके पास एक इतिहास है, आपके पास एक भविष्य है। आप भावनाएं हैं, आपके पास विचार हैं, आपके पास सपने हैं। आप उदासीन नहीं हैं, आप बस डरते हैं। खुलकर बोलने से डरते हैं, भरोसा करने से डरते हैं, प्यार करने से डरते हैं। उसने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम ये सब कैसे जानती हो?
तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम मुझे नहीं जानती, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम सिर्फ एक लड़की हो, एक भोली और मूर्ख लड़की हो। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो और मेरा। मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे शांति से खाने दो। वो उससे दूर हो गया और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो कुछ कहना चाहती थी, उसे सुनाना चाहती थी, उसकी परवाह करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बेकार है। उसने अपना मन बना लिया है और वह इसे नहीं बदलेगा। वह एक जादूगरनी थी और वह एक लड़की थी। उनके पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं था, साझा करने के लिए कुछ भी नहीं था, देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने आह भरी और उसे अकेला छोड़ दिया। वो अपने काम पर वापस चली गई और उसे भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नहीं कर सकी। वो उसके बारे में, उसकी आँखों, उसकी आवाज, उसके शब्दों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। वो उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके अतीत के बारे में, उसके भविष्य के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। वो उसके लिए महसूस करना, खेद महसूस करना, उत्सुकता महसूस करना, आकर्षित महसूस करना बंद नहीं कर सकी। वो उसे चाहना, उससे बात करना, उसे जानना, उसके साथ रहना बंद नहीं कर सकी। उसने फिर से प्रयास करने, उससे दोबारा संपर्क करने, उससे फिर से बात करने का फैसला किया। वो उसके नाश्ता खत्म करने का इंतजार करती रही और फिर उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वो अपने घोड़े पर चढ़ने वाला था, एक सफेद अयाल और पूंछ वाला एक काला घोड़ा। वो दौड़कर उसके पास गई और उसका नाम पुकारा, रुको रुको कृपया। वो पीछे मुड़ा और उसे देखा। उसने भुहे सिकोड़ कर कहा, आप क्या चाहते हैं? वो मुस्कुराई और बोली, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आपको पहले परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, मैं बस उत्सुक था, बस इतना ही। कृपया मुझ पर गुस्सा मत होइए, उसने आह भरते हुए कहा, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूँ, मैं बस व्यस्त हूँ। मेरे पास करने के लिए चीजें हैं, जाने के लिए जगहें हैं, राक्षसों को मारने के लिए है। मेरे पास बेकार की बकवास के लिए समय नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। उसे साहस का संचार महसूस हुआ और उसने कहा, तो फिर मेरे लिए समय निकाले, हमारे लिए समय निकाले। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं आपको गांव, लोग, जीवन दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दुनिया में राक्षसों को मारने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जादूगरनी होने के अलावा भी तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ है। कृपया बस मुझे एक मौका दे, हमें एक मौका दे। उसने उसकी ओर देखा और झिझका। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी, उसकी मुस्कान में आशा, उसकी आवाज में गर्मजोशी देखी। उसे अपने सीने में कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, कुछ ऐसा जिसे उसने दबाने, नजरअंदाज करने, भूलने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा जिसका उसे डर था और नफरत थी और जिसका उसने खंडन किया था। वो कुछ चाहता था और उसकी आवश्यकता थी और चूक गया। कुछ उसने खोया था और पाया और फिर से खोया। उसे जिज्ञासा की एक चिंगारी, दिलचस्पी की एक झलक, संभावना की एक झलक महसूस हुई। उसे भावनाओं का स्पर्श महसूस हुआ। उसने एक निर्णय लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए, केवल आज के लिए। कल मैं चला जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। वो मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, चलो चलें। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गई। उसने उसका पीछा किया और अपना घोड़ा पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी तलवारें पीछे छोड़ दी। उन्होंने अपना पदक पीछे छोड़ दिया। उसने अपना जादूगर पीछे छोड़ दिया। वो उसके साथ गया और एक इंसान बन गया। वो उसके साथ गया और प्रेमी बन गया। वो उसके साथ गया और हीरो बन गया। समाप्त। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बैल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।